वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाई कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होगे। रमज़ान की पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। अभी रात के करीबन बज रहे हैं 10:15 और देखिए आवाज़ भी ख़राब हो गया है, मतलब ठंडा खा कर। तो चलिए कोई बात नहीं, रात के करीबन बज रहे हैं 10:15 और मैं निकल रही हूँ हमारे शहर कोलकाता का राजा बाज़ार इलाका, जिसके मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मारुफा आप जाओ राजा बाज़ार, जाकर एक्सप्लोर करो ये वो ऐसा वैसा। तो भाई देखिए, अभी तो तरावी का वक्त चल रहा है, जिस वजह से अहमद साहब के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था और मैं अकेले तो जा नहीं सक रही थी क्योंकि मेरे पास भी वक्त नहीं था। तो समहाउ मैंने साहब को तैयार किया कि आज आप तरावी के बाद मुझे लेकर चलना। अब मुझे ये नहीं मालूम के राजा बाजार में क्या दुकान खुला होगा यार, करीबन रात के 10:15 बज रहे और अभी निकल रहे। चलिए बातें करने में और टाइम यहां पर बर्बाद नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं राजा बाजार और देखते हैं आंखों देखा नजारा वहां का। आइए, ये रात को जब सारे तरावी पढ़कर आ रहे हैं तो अभी हम लोग राजा बाजार के लिए निकल रहे हैं। तो ये ले लिया हम लोगों ने टैक्सी राजा बाजार जाने के लिए। ज्यादा लेट हो गया निकलते निकलते, रात हो गई। खुला मिलेगा कुछ भी? भाई मल्लिक बाजार तो शांति हो गया है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे। सियालदह स्टेशन देखिए फ्रेंड्स, कैसा तिरंगा बना हुआ है पूरा ट्रायो कलर। मैं देख रही हूँ कि जितने भी टेलर है ना, उन सब का दुकान जो है ना वो खुला है। पहुँच गए हम लोग राजा बाजार, आइए चलते हैं अंदर और करते हैं एक्सप्लोर। फ्रेंड्स ये है राजा बाजार का मोड़, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर जाओगे तो राजा बाजार का पूरा मार्केट दोनों तरफ दिखेगा, यहाँ इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ लगता है। चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं मार्केट को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर और देखते हैं कि रमज़ान के मौके पर ईद के लिए स्पेशल मार्केटिंग यहाँ पे क्या क्या लगा है। उतरिएगा आप लोग यहाँ मेन रोड में, ठीक है? चलिए चलते हैं अंदर, आइए भाई। फ्रेंड्स हमारे शहर कोलकाता का राजा बाज़ार इलाका काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने चीप प्रोडक्ट्स के लिए, जहां पर आपको बहुत सारे ड्रेस मटेरियल्स लेसेस वगैरह मिलेंगे। साथ में यहां रमज़ान के वक्त जो चकाचौंध होती है ना, तो वो भर देखने लायक होती है। पिछले साल भी मैं राजा बाज़ार आई थी आप लोगों के ऑन डिमांड और यहाँ पर आकर एक्सप्लोर किया था। हालाँकि उस वक्त रमज़ान के बहुत सारे वक्त जो है वो गुजर चुके थे और इस वक्त मैं शुरुआती रमज़ान के दिनों में यहाँ पर आई हूँ देखने के लिए कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या है जिसके लिए आप लोग बराबर मुझे कहते हो कि मारुफा राजा बाज़ार का वीडियोज़ आप मुझे बना कर दें, हमें बना कर दिखाएं। तो भाई चले पहले देखते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे ड्रेसेस वगैरह मिलते हैं। आइए, बहुत ज़्यादा भारी भरकम ड्रेस है आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे, जिन्हें पसंद है हेवी सूट्स वो यहाँ से आकर एक बार चेक ज़रूर कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी अच्छा लग रहा है। इसका प्राइस मैंने पूछा है 3200 रुपीज़ इसका बता रहे हैं, इसका प्राइस लेने से दाम कम हो जाएगा। अभी राजा बाज़ार में बहुत कम भीड़ है, बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि शुरुआती दिन है रमज़ान का। भाई रमज़ान का चकाचौंध मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ईद की शॉपिंग जो है वो ज़ोरों शोरों से ऑन है। ये है हमारा शहर कोलकाता का राजा बाज़ार इलाका और ऐसे में अगर मैं आप लोगों को टोपियों वाला स्टॉल ना दिखाऊं, टोपियों का दुकान ना दिखाऊं, तो ये तो भाई बेइंसाफी होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अलग अलग डिज़ाइन के कलर्स के टोपी है यहाँ पर। भाई टोपियों के स्टॉल के बिल्कुल पास में ये वाला स्टॉल है जूतियों का। सुना आप लोगों ने 280 रुपीज़ में अगर आपको ऐसे बहुत अच्छे डिज़ाइन वाले जूते मिल रहे हैं तो बुरे नहीं। अगर आप लोगों ने मेरा न्यू मार्केट वाला व्लॉग देखा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि मैं श्रीलेदर भी गई थी, वहाँ पे एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाया था। वहाँ पर जूतियों का डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं होता है, दाम काफ़ी हाई होता है, लेकिन अगर आप डिज़ाइन वाला जूता ढूंढ रहे हो तो यहाँ आप देख सकते हो एक बार। अब मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड वाले सेक्शन में। जी हाँ, मतलब कि राजा बाज़ार का खुला कपड़े का स्टॉल। इसके बारे में आप लोग मुझे बहुत कमेंट कर रहे थे कि मारुफा हमें दिखाइए कि वहाँ पे कैसे मटेरियल्स मिलते हैं खुले वाले ड्रेस जिससे बनाया जा सकता है। तो ये देखिए सामने, ये सारे नेट का कलेक्शन मुझे सामने टंगा सा मिला है, जिसका प्राइस मैंने पूछा है तो सबका प्राइस अलग अलग है। कोई 150 का है, कोई 140 का है, कोई 200 रुपीज़ मीटर है, कोई 280 रुपीज़ मीटर है। सबका प्राइस जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। अब ये देखिए, ये ब्लैक वाला, ये 280 रुपीज़ मीटर भैया ने बोला है, लेने से दाम कुछ कम हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा मैं अंदर की तरफ जाती हूँ और भी देखती हूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो मुझे नज़र आती है बहुत सारे सिल्क मटेरियल के सारे ड्रेस मटेरियल, ठीक है? अब आइए दूसरी तरफ चलें।
ये है बच्चों का स्टॉल, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे मम्मियों का, जिसमें कहा जा रहा था कि आप बड़ों का सिर्फ दिखाती हो लड़कियों का, लेकिन बच्चों का भी कभी कभी दिखा दिया करें, हमें बच्चों का भी देखना होता है। भाई ये भाई साहब को मैंने मैनीक्विन समझा, अब इनका शक्ल देखें और इस मैनीक्विन का शक्ल देखें, मजाक में ना ले बिल्कुल भी। अच्छा अब आगे बढ़ी तो मेरी नज़र पड़ी थी इस वाले स्टॉल में, जहाँ पर यमी यमी सा टेस्टी टेस्टी सा कबाब बन रहा था। जो राजा बाजार आ गए हैं तो यहाँ पर जो फूड बहुत ज़्यादा फेमस है वही सारे खा पी कर देख लें। तो अभी हम लोग ले रहे हैं यहाँ से चिकन रेशमी कबाब एंड चिकन टिक्का कबाब, ये देखिए इस वाले स्टॉल से। 12 बज रहा है फ्रेंड्स, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग घर लेकर चलेंगे कबाब। तो ये देखिए हो गया है हमारा पार्सल रेडी। रमजान जैसे जैसे एंड होने लगेगा ना, वैसे वैसे यहाँ कदम धरने भर का जगह नहीं मिलेगा, लास्ट वाले ब्लॉग में जैसा हुआ था। आगे बढ़ी फ्रेंड्स, मेरी नज़र पड़ी थी इस वाले स्टॉल में। भाई आजकल ये वाला स्टॉल तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है, जहाँ अगर आप न्यू मार्केट में जाओगे तो देखोगे कि बहुत सारे रेडीमेड लहंगाज वगैरह मिल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बच्चों का फिर से वंस अगेन पूरा कलेक्शन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो भाई फ्रेंड्स सुना आप लोगों ने, विद इन 80 रुपीज़ आपको ऐसे बैंगल्स मिल जाएंगे जो कि न्यू मार्केट में तो आपको कतई नहीं मिलेंगे। जितने भी फूड में स्टॉल्स हैं न्यू मार्केट में सारी जगह 100 में मिलेंगे, और ऐसे जॉग मार्केट के अंदर जाओगे तो भाई वहाँ तो 350 रुपीज़ 450 रुपीज़ करके बोलेंगे और बार्गेनिंग भी नहीं होगा। बहुत बार ऐसा वक्त मेरे साथ तो आता है कि बहुत सारी जगह ड्यू टू सेफ्टी रीज़न गोल्ड नहीं पहन कर जा सकती, तो उस टाइम यही सारे टाइप के ज्वेलरीज जो है वो काम आते हैं। तो इसलिए आप लोग भी एक दो ऐसा खरीद कर रख सकते हो, जहाँ पर आप गोल्ड नहीं पहन कर जा सकते हो वहाँ पर आप ऐसे ज्वेलरी को यूज़ कर सकते हो। भाई हमारे शहर कोलकाता का कुछ इलाका ऐसे है जहाँ पर आप मार्केटिंग भी कर सकते हो और खाने पीने की चीज़ों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, जिनमें से जकरिया स्ट्रीट मेटिया ब्रूज न्यू मार्केट इलाके का नाम तो फेमस है, तो साथ में राजा बाज़ार कोलकाता का भी नाम इसी लिस्ट में शामिल होता है। अच्छा हम लोग थोड़ा सवेरे आ गए, अगर थोड़ी देर और दिन बाद आते ना तो शायद और ज़्यादा चकाचौंध बढ़ जाएगा। देखते हैं अगर वक्त मिलेगा तो दोबारा आने की कोशिश करेंगे राजा बाज़ार। फिलहाल आप लोगों को अभी का नज़ारा मैंने दिखा दिया राजा बाज़ार का। नाउ फ्रेंड्स एक्सप्लोर करते करते राजा बाज़ार को मैं पहुंची एक और स्टॉल में, जहां पर मुझे नज़र आ रही थी बहुत सारे ऐसे सूट पीस, और स्टार्टिंग प्राइस जो है ना ये सारे सूट पीस का 400 रुपये से है, और लेने से दाम जो है वो कुछ कम हो जाएगा। फिलहाल आप लोग यहां पर कलेक्शन देख लें, ये पूरा जो सेट आप लोग देख रहे हैं दुपट्टा के साथ पूरा कुर्ता पैजामा और दुपट्टा का सेट है, 400 से लेकर 1200-1500 रुपीज़ तक का सूट अवेलेबल है। ये
जबरदस्त। तो भाई बच्चे अगर साथ लेकर आए हो ना तो यहाँ पर उन्हें चीप खिलौने दिलाकर आप इत्मीनान से मार्केटिंग कर सकते हो। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। वंस अगेन मैं एक ऐसे स्टॉल में आई हूँ जहाँ पर मुझे बहुत सारे सूट दुपट्टा सेट पूरा नजर आ रहा है और यहाँ पर मैंने वही बात सुना पाकिस्तानी सूट। यार ये क्या है, जहाँ देखो पाकिस्तानी सूट, न्यू मार्केट, मीडिया ब्रूज, अब राजा बाजार भी, मतलब ऑनलाइन सारी जगह पाकिस्तानी सूट, पाकिस्तानी सूट, पाकिस्तानी सूट। व्हाट इज दिस, नोबडी वांट्स टू वेयर इंडियन सूट राइट नाउ। हो क्या गया है, सारे पाकिस्तानी सूट पहनकर पाकिस्तान जाने के चक्कर में है भाई। फ्रेंड्स ये क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है, मतलब ना भाई कि पाकिस्तानी सीरियल्स देख देख कर हमारे इंडिया के ख्वातीनों के सर पर पाकिस्तानी सूट का बुखार अब चढ़ चुका है भाई। ये सारे तो परमानेंट दुकान है लेकिन अभी बहुत सारे लोकल एरिया में लोकल लोकल स्टोर खुल गया जहाँ पर पाकिस्तानी सूट धरल्ले से बेच रहे हैं। कुछ का खाना है लेकिन भीड़ देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। टेंट आपको अच्छा लग रहा है इसका मतलब ये थोड़ी कि भीड़ में खड़े होके टाइम वेस्ट करें, दूसरी जगह से खा लें, दूसरी जगह से। टप्पी लगी दस्तरखान देखने, पर्दा वगैरह देखने। ये देखें ड्रेस या सैंडल या फिर कोई भी ऐसा चीज़ तो हम लोगों ने यहाँ से परचेज नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने बेसन अंडा फेंटने वाला होता है वो वाला एक परचेज किया। और अभी टप्पी को देखें खजूर परचेज कर रही हैं। तो राजा बाजार आकर हम लोगों ने यही किया। नाउ फ्रेंड्स रमज़ान की मार्केटिंग आप लोगों को दिखा रही हूँ, मतलब ईद शॉपिंग वीडियो है ये राजा बाजार का। तो यहाँ पे बॉयज़ का भी बहुत सारा कलेक्शन है, ऐसे बहुत सारे आपको दुकान राजा बाजार कोलकाता में मिल जाएंगे जहाँ पे आपको शर्ट्स और साथ में सिला सिलाया पंजाबी कुर्ता भी मिल जाएगा। तो उनमें से एक दुकान है ये जिसका अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। राजा बाजार मैं आई राजा बाजार, मैंने एक्सप्लोर करके देखा और अभी मार्केट बहुत ज़्यादा लगा नहीं है तो इसलिए मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा कोई खास चीज़ नज़र नहीं आया जो मैं परचेज करती। तो ठीक है अभी आप लोग नज़ारा यहाँ का देख ही सकते हैं। ये देखें फ्रेंड्स यहाँ पर तो मैंने देख लिया सारा राजा बाजार घूम घूम के बहुत अच्छे से, और अब हम लोग निकलते हैं और चलते हैं वापस अपने घर की तरफ। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग राजा बाजार घूम चुके हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं टैक्सी लेने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोगों को मालूम है क्या करना है, जी हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले, ऑल में हिट कीजिएगा। तो चलिए मुझे दुआ में याद रखिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। पूछते हैं कैसा लगा राजा बाजार आगे चहल पहल, मगर उतना नहीं है जितना मतलब पहले हुआ करता था, मतलब कि अभी तो शुरुआती रमज़ान है ना इसलिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं है। तरावी की वजह से थोड़ा भीड़ भी कम है, अगर देर में और आओगे तो शायद और ज़्यादा भीड़ पड़े। जैसे पिछली बार हम लोग आए थे, आई थी तुम पिछली बार नहीं आई थी, मैं तप्पी और साहब आए थे। भीड़ देखिए ड्राइवर साहब भी बोल रहे हैं कि भीड़ और बढ़ेगा राजा बाजार में। साहब हमारा बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा भीड़ हो जाएगा कि गाड़ी घुमा नहीं सकेगी, इतना ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। तो हाँ मैं आई थी पिछली बार, मैंने देखा था कि राजा बाजार में काफी ज्यादा भीड़ होता है। चलिए अब फाइनली मैं वीडियो को कर रही हूँ, दुआ में याद रखिएगा।